कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ग्वालियर कलेक्टर को फोन लगाया तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जी हां, अतिक्रमण में बेघर हुए लोगों से सिंधिया ने मिलकर कलेक्टर और विधायक को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में ये लोग बेघर नहीं होने चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ ग्वालियर गुना में सक्रिय हो गए बल्कि लोगों की सुनवाई भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर अतिक्रमण में बेघर हुए नागरिकों ने शिवपुरी पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव सिंधिया को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस दौरान ऑन द स्पॉट सिंधिया ने फोन निकाला और जिला कलेक्टर और विधायक से बात की और सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि ये लोग किसी भी हालत में बेघर नहीं होने चाहिए। जरा आप भी देखिए सिंधिया का ये अंदाज। बाबा के पहाड़ी वासी के लोग हैं, ग्वालियर से आए हैं मेरे पास शिवपुरी में, तो ये इनका ये कह रहे हैं कि इनको बेदखल किया जा रहा है वीडियो बंद कर प्रशासन के द्वारा। ये 6 वर्ष से वहीं रह रहे हैं, तो इनको ले जाके मैं अभी कलेक्टर से भी बात कर लूंगा, इनको ले जाके वहाँ बात करिए, इनको बेदखल नहीं होना चाहिए। सिरोल पहाड़िया से दिवाली महाराज, सिरोल पहाड़िया के लोग हैं, पत्रकार कॉलोनी के सामने। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है, लिहाजा सिंधिया ने जो लोगों को वचन दिया था उन वचनों को पूरा करने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, शिवपुरी।